सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया की दो कंपनीज आदित्य बिरला और टाटा को। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके फाउंडर जमशेद जी टाटा थे। टाटा ने अपने स्टार्टिंग दिनों में ल्यूक्रेटिव अफीम और टी ट्रेड के काम से शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बिरला ग्रुप के फाउंडर सेठ शिव नारायण बिरला थे। बिरला ने अपने स्टार्टिंग दिनों में कॉटन ट्रेड के काम से शुरू किया था और फिर बाद में वो अफीम की ट्रेडिंग में आ गए। टाटा ग्रुप का इनकॉरपोरेशन 1868 में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बिरला ग्रुप का इनकॉरपोरेशन टाटा ग्रुप से 9 साल पहले 1857 में हुआ था। आज इन दोनों ही कंपनीज का हेडक्वार्टर एक ही स्टेट में है। इन दोनों कंपनीज का हेडक्वार्टर आज मुंबई महाराष्ट्र में है। एन चंद्रशेखरन टाटा एंड सन्स के करंट चेयरमैन हैं और कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के करंट चेयरमैन हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से टाटा ग्रुप आज पूरे वर्ल्ड में 7,22,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है और वहीं आदित्य बिरला 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से 1,36,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। पिछले साल 2018-19 में टाटा एंड सन्स का रेवेन्यू $113 बिलियन था और वहीं आदित्य बिरला ग्रुप का रेवेन्यू $48.3 बिलियन था। अगर हम इनके कुछ फेमस सब्सिडरीज की बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर वैन ह्यूसन, अल्ट्राटेक सीमेंट, पीटर इंग्लैंड, पेंटलूम्स, लुइस फिलिप जैसी कंपनियां आती है। और अगर हम टाटा के सब्सिडरीज की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाइटन जैसी कंपनियां आती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।